हेलो व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडे आई एम रिव्यूइंग दिस इज द टोयोटा रिमियोन। तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है और अब स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा टॉर्क एंड पावर। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के बारे में। ये टोयोटा की रिमियोन, तो फुल्ली कार ये अर्टिगा बेस्ड है, मारुति सुजुकी अर्टिगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो ये एस वेरिएंट है सीएनजी वाला। तो बात करते हैं अपन गाड़ी के सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ पर आपको टोयोटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है और ग्लॉसी ब्लैक में पूरी फिनिशिंग मिल जाती है ग्रिल की। प्रोजेक्टर एलईडी लाइट सेटअप विथ टर्न इंडिकेटर, नीचे आपको फॉग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर कुछ कुछ क्रोम के एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो ये गाड़ी के प्रोजेक्टर एलईडी प्रोजेक्टर लाइट सेटअप है फॉग लैंप्स प्रोजेक्टर के साथ। तो यहाँ पर आपको क्रोम की कुछ स्ट्रिप भी दिखने को मिल जाती है हर जगह। तो गाड़ी बहुत फ्रंट प्रोफाइल बहुत एग्रेसिव सा है सामने से आकर। यहाँ पर आपको दो वाइपर्स दिखने को मिल जाता है विथ टू वाइपर वॉशर्स और इधर आपको ORVMs ऑटो फोल्डिंग ORVMs है विथ टर्न इंडिकेटर के साथ। 15 इंचेस के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डम ब्रेक्स विथ व्हील कैप सस्पेंशंस। ये आप सिल्वर कलर देख रहे हैं कार का सर, और आपको यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर। कीलेस एंट्री का बटन नहीं मिलता रिक्वेस्ट सेंसर का। सीएनजी प्लस पेट्रोल है कार ये, और यहाँ पर भी आपको 15 इंच के टायर पीछे भी दिखने को मिल जाते हैं विद डम ब्रेक्स, टोयोटा की ब्रांडिंग व्हील कैप्स के ऊपर। तो ये कार का साइड प्रोफाइल है। ऊपर आपको एक एंटीना देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर में पिलर्स। तो बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। ये टोयोटा रिमियोन का रियर प्रोफाइल है। रियर प्रोफाइल अगर आप नोटिस करें तो सेम अर्टिगा के जैसी है। यहाँ पर आपको टोयोटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, टोयोटा का लोगो और रिमियोन की बैजिंग। फॉर्च्यून डीलरशिप, थैंक यू सो मच फॉर्च्यून डीलरशिप फॉर दिस कार। एंड आपको रियर कैमरा नहीं मिलता, ये बेस मॉडल है सीएनजी में। तो यहाँ पर आपको पूरे पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं और रिफ्लेक्टर्स, इधर भी रिफ्लेक्टर्स। यहाँ पर भी आपको पिलर लाइट देखने को मिल जाते हैं कार के अंदर और एलईडी में हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, ब्रेक लाइट विथ टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है सीएनजी की स्टिकर, सामने एंटीना। अब मैं गाड़ी के बूट स्पेस ओपन करूँगा। यहाँ पर आपको गाड़ी में बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। नीचे आपको सीएनजी किट है सर, ये आपको सीएनजी किट देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको फायर के लिए भी आपको मिल जाता है सर इधर फॉर सेफ्टी। यहाँ पर आपको टूल किट देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर, अगर आप सीट्स को ये फोल्ड भी कर सकते तो आप सीट्स को 50-50 फ्लिप कर सकते 50-50। आखिर रियर सीट्स के वास्ते यहाँ पर आपको दो ग्लास होल्डर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको ग्लास होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब अपन बात करते हैं गाड़ी के पैसेंजर साइड डोर के बारे में। यहाँ पर भी आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रीम कलर में पूरा आखिर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इधर आपके कुछ स्पेस देखने को मिल जाते हैं, वाटर बॉटल होल्डर कुछ स्पेस, यहाँ पर भी पावर विंडोज और यहाँ पर आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री सीट्स देखने को मिल जाते हैं। आप 60-40 सीट्स को फ्लिप कर सकते हैं आखिर। यहाँ पर पूरी फैब्रिक अपॉल्स्ट्री,
ये टोयोटा रिमियन तो आपको लेगरूम इतना अच्छा खास मिल जाता है गाड़ी के अंदर देखने को टोयोटा रिमियन में। तो यहाँ पर आपको 12 वॉट का एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है इधर, और यहाँ पर आपको 4 AC के वेंट्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, और इधर 4 AC के वेंट्स है। यहाँ से आप AC को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड लो और हाई। एक रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है, और इधर आपकी ग्रैब हैंडल, और सामने का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है टोयोटा रिमियन का। खैर फुल्ली अर्टिगा बेस्ड है कार, ये थर्ड रो सीट्स है खैर टोयोटा रिमियन की। यहाँ पर आपको अच्छा खासा लेगरूम देखने को मिल जाता है। खैर अब बात करते हैं गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर के, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल है, यहाँ पर आपको 4 पावर विंडो से रिलेटेड बटन देखने को मिल जाते हैं, और कुछ स्पेस यहाँ पर देखने को मिलती है, और यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर। इधर आपको सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ आप सीट को रिक्लाइन और डिक्लाइन कर सकते हैं। ये है टोयोटा रिमियन, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है विद टच के साथ। तो ये टच पैनल है पूरा। खैर AC देखने को मिल जाती है, मैनुअल AC है, और USB चार्जिंग सॉकेट, और 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट पिट। यहाँ पर 2 ग्लास होल्डर देखने को मिल जाते हैं, और AC के वेंट्स यहाँ पर भी। 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स है, हैंड ब्रेक, पीछे चार्जिंग का सॉकेट। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल हैंडल, आप टिल कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। इधर आपके ब्लूटूथ से रिलेटेड बटन्स और वॉल्यूम से रिलेटेड बटन्स देखने को मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता आपको S मॉडल के अंदर। यहाँ आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में डिसेंसी स्पेस है, और यहाँ पर आपको सनवाइजर मिल जाता है। इधर आपको सनवाइजर विथ द मिरर देखने को मिलती है, यहाँ पर आपकी रीडिंग लाइट देखने को मिल जाती है। इधर आपके CNG टू पेट्रोल के एक बटन देखने को मिल जाते हैं, और ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड बटन और लाइट लेवलिंग से रिलेटेड बटन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और इधर यहाँ पर आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं ये छोटे से बॉक्स के अंदर, लाइसेंस या RC कीस आपको गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ये कार के कीस है। इधर आपको टोयोटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। लॉक के बटन्स अनलॉक के बटन्स देखने को मिलते हैं।